बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू अहमद जी के पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नंबर वन एमसीक्यूज है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसका राइट आंसर है चार्ल्स बबेज। चार्ल्स बबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। इसका राइट आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर डेवलप किया था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी यूज हुए थे, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस डैश इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इसका राइट आंसर है इनपुट। कंप्यूटर डेटा को एज अ इनपुट लेता है और इसको प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बतौर आउटपुट देता है। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। इसका राइट आंसर है लैटिन। कंप्यूटर लातीनी जुबान का लफ्ज है। इसके मायनी है कलेक्ट करना, सम अप करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट ब्राउजर। इसका राइट आंसर है फाइलजिला। फाइलजिला इंटरनेट ब्राउजर की एग्जाम्पल नहीं है। इंटरनेट ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। टॉप 10 इंटरनेट ब्राउजर, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्राउजर है। उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज और मजीद आप देख सकते हैं। सीआरटी इज द टेक्नोलॉजी यूज इन। इसका राइट आंसर है मोनिटर। सीआरटी जिसे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, ये मोनिटर में यूज होती थी। फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डेट वी कैन सी एंड टच आर नोन एज। इसका राइट आंसर है हार्डवेयर। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कि कंप्यूटर को बताती है कि उसने क्या करना है। लिनक्स इज एन। इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूजर डेवलप्ड प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन पैकेज हैं जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, लोटस, कस्टमर सॉफ्टवेयर वगैरह शामिल हैं। अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है नेटवर्क। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट होते हैं उन्हें नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क के फोर मेन टाइप्स हैं, पैन, लैन, मैन, वैन। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स। इसका राइट आंसर है आईपी एड्रेस। इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस की लेंथ 22 बिट्स होती है। मैक एड्रेस स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस की लेंथ 48 बिट्स होती है। अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट। इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर फंक्शन नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स हैव एन एमपीजी एक्सटेंशन। इसका राइट आंसर है वीडियो। वीडियो फाइल्स की एमपीजी एक्सटेंशन होती है। और ऑडियो फाइल्स की MP3, वेव, OGG, वीडियो फाइल्स की MP4, MPEG, MPG, इमेज की BMP, PSD, GIF और कंप्रेस्ड फाइल की .rar, .zip और डेटा और डेटाबेस फाइल की DB SQL एक्सटेंशन होती है। डैश टू यूज्ड एज अ डिस्क स्कैनर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसका राइट आंसर है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि डिस्क को स्कैन करने के लिए यूज होता है। एक कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। इसकी मदद से अननेसेसरी और टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट किया जा सकता है। डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। इसका राइट आंसर है बिट। बिट कंप्यूटर मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक बिट बाइनरी डिजिट 0 या 1 पर मुश्तमिल होता है। एक निबल 4 बिट का होता है, एक बाइट 8 बिट का, एक किलो बाइट 1024 बाइट का होता है और एक MB 1024 KB का होता है। इसके आगे मजीद 1 GB, 1 TB, 1 PB, पेटाबाइट, ये मजीद आप देख सकते हैं। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। इसका राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। वट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ CPU। इसका राइट आंसर है ALU एंड CU। ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट कंप्यूटर के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और लॉजिक यूनिट लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है।
और कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर देयर? इसका राइट आंसर है टू। कंप्यूटर की मेमोरी की टू टाइप्स हैं, जिन्हें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी की मजीद दो टाइप्स हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वोलेटाइल मेमोरी है, जैसे ही कंप्यूटर की लाइट ऑफ होती है और ये इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है वो डिलीट हो जाती है। और रोम रीड ओनली मेमोरी ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है वो मैन्युफैक्चरर की जानिब से लिखी जाती है और यूजर इन इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं कर सकता है। और सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जिसे हार्ड डिस्क भी कहा जाता है, मैग्नेटिक टेप्स, पेन ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क, सीडी और डीवीडी शामिल है। हाउ मेनी बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? इसका राइट आंसर है फोर। कंप्यूटर के फोर बेसिक फंक्शंस हैं, जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। कंप्यूटर डाटा को एज ए इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, अगर यूजर चाहे तो उसको स्टोर कर सकता है और उसकी आउटपुट को शो करता है। ऑल दी फाइल्स विच आर डिलीटेड फ्रॉम कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन। इसका राइट आंसर है रिसाइकल बिन। कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। द की यूज टू लॉक द कीबोर्ड इज। इसका राइट आंसर है विंडो लोगो प्लस एल। अगर हम विंडो लोगो प्लस एल की को प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड लॉक हो जाएगा। द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है हार्ड कॉपी। कंप्यूटर की आउटपुट जो कि प्रिंटर की मदद से पेज पर प्रिंट होती है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, और कंप्यूटर की आउटपुट जो कि स्क्रीन के ऊपर शो होती है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी को डिजिटल डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है जो कि पेज के ऊपर प्रिंट नहीं होती। डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर आर नोन एज। इसका राइट आंसर है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर में डेटा इंटर कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन शामिल हैं। द डिवाइसेज विच आर यूज टू डिस्प्ले डेटा आर कॉल्ड। इसका राइट आंसर है आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज की मदद से कंप्यूटर में डेटा डिस्प्ले किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेज में प्रिंटर, मोनिटर्स, हेडफोन्स और प्रोजेक्टर शामिल हैं। अ डिवाइस कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इफ डैश नॉट इंस्टॉल्ड। इसका राइट आंसर है डिवाइस ड्राइवर्स। अगर कंप्यूटर के अंदर डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल ना किए जाएं तो वो पर्टिकुलर डिवाइस सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकती। URL is the abbreviation of। इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL is the web address of any web document। URL web documents का web address होता है। Example of URL is a program used to view world wide web pages such as Google, Yahoo is called। इसका राइट आंसर है ब्राउजर। कंप्यूटर के ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस जैसे वेब पेजेस वगैरह को देखने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे ब्राउजर कहा जाता है। A normal CD-ROM can usually store up to dash data। इसका राइट आंसर है 680 MB। नॉर्मल सी डी 680 MB डाटा स्टोर कर सकती है। सिंगल साइडेड सिंगल लेयर डीवीडी 4.7 GB डाटा स्टोर कर सकती है। सिंगल साइड डबल लेयर डीवीडी 8.5 GB डाटा और डबल साइड सिंगल लेयर डीवीडी 9.4 GB डाटा और डबल साइड और डबल लेयर डीवीडी 17.1 GB डाटा स्टोर कर सकती है। इन कंप्यूटर सिस्टम द वर्ड बूट इज यूज्ड फॉर टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर है ओरेकल। ओरेकल एक डेटाबेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी विंडोज, लिनक्स और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की चंद ये एग्जाम्पल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, एंड्रॉइड और iOS। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं, सेंडर, मीडियम, रिसीवर, मैसेज और प्रोटोकॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इसका राइट आंसर है विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्च इंजन नहीं है। पॉपुलर सर्च इंजन में गूगल, बिंग, याहू, बेडू, येंडेक्स, डकडकगो, आस्क.कॉम, AOL, नेवर और इकोजिया शामिल हैं। कंप्यूटर्स डेटा प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों को प्रोसेस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ ईमेल एड्रेस। इसका राइट आंसर है name@website.com। फॉर एग्जाम्पल ahmedgk.@gmail.com। मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। इसका राइट आंसर है मदरबोर्ड।
ये मदरबोर्ड की पिक्चर है, ये आप अपने सिस्टम यूनिट में देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। इंटरनेट से अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को ट्रांसफर करने को डाउनलोडिंग कहा जाता है, और अपलोडिंग इंटरनेट के ऊपर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर को कहा जाता है। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स VGA स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर है वीडियो ग्राफिक्स एरे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आल्ट आर कॉल्ड डैश कीज, इसका राइट आंसर है मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन स्लॉट्स हैज हाईएस्ट स्पीड, इसका राइट आंसर है AGP। AGP स्लॉट की हाईएस्ट स्पीड होती है। AGP स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसका राइट आंसर है एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का फादर कहा जाता है। विच फंक्शन की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज, इसका राइट आंसर है F5। F5 जो कि फंक्शन की है, ये वेब पेज और करंट विंडो को रिफ्रेश करने के लिए यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। डेटा ट्रांसमिशन के 3 मोड्स है, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड यूनिडायरेक्शनल मोड है, जिस सिंप्लेक्स मोड में डिवाइसेस सिर्फ डाटा सेंड कर सकती हैं या रिसीव कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम सिर्फ डाटा इनपुट कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स मोड में बोथ डिवाइस कैन सेंड और रिसीव द डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्फिंग। फुल डुप्लेक्स मोड में बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट और रिसीव साइमल्टेनियसली, इसमें दोनों डिवाइसेस एक ही वक्त में डाटा सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल टेलीफोन नेटवर्क। अ लॉन्ग नैरो सॉकेट ऑन मदरबोर्ड इनटू व्हिच डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड कैन बी प्लग्ड, इसका राइट आंसर है एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड के ऊपर होता है, इसके अंदर हम डिफरेंट कार्ड वगैरह प्लग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें साउंड कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्राफिक्स कार्ड भी यूज कर सकते हैं। ALU इज अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोसेसर विच इज कंसिस्ट ऑफ, इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। ALU प्रोसेसर का कंपोनेंट है जो कि अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट पर मुश्तमिल होता है। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। डैश इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइंस, इसका राइट आंसर है मोडेम। मोडेम इसके दो मोड होते हैं, मोडुलस और डी मोडुलस। कंप्यूटर के डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी स्टोरेज एरिया फॉर डाटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड, इसका राइट आंसर है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर डाटा प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद रैम में स्टोर होता है। डैश इज यूज टू डिटेक्ट फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ अ डिस्क, इसका राइट आंसर है डिस्क स्कैनर। डिस्क स्कैनर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि हार्ड डिस्क के फिजिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। CD-ROM stands for, इसका राइट आंसर है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इंटरनेट स्पीड मेजर्स इन, इसका राइट आंसर है MBPS। MBPS stands for megabits per second। इंटरनेट स्पीड्स को megabits per second में मेजर किया जाता है। बेसिक कलर्स यूज इन कंप्यूटर ग्राफिक्स आर, इसका राइट आंसर है RGB। RGB कलर्स में रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स शामिल हैं। विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट, इसका राइट आंसर है TCP/IP। इंटरनेट में जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो TCP/IP है। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज, इसका राइट आंसर है प्रिंट स्क्रीन की। कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो की यूज होती है वो प्रिंट स्क्रीन की है। डेटा डेट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन, इसका राइट आंसर है क्लिपबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन से जो डेटा कॉपी किया जाता है वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। डेटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। डेटा कम्युनिकेशन में सेंडर, रिसीवर और ट्रांसमिशन मीडियम तीनों यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी, इसका राइट आंसर है कैशे। कैशे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है। What is the name for a web page address? इसका right answer है URL. URL is the web address of any web document. URL web page का web address होता है। URL stand for Uniform Resource Locator. IO is the short form for Input Output. DNS stand for, इसका right answer है Domain Name System. A virus that duplicates itself is called Worm.
वॉर में एक वायरस है जो कि अपने आप को कॉपी करता रहता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मुंतकिल होता रहता है। सॉफ्टवेयर मिस्टेक्स ड्यूरिंग कोडिंग आर नोन एज, इसका राइट आंसर है बग्स। सॉफ्टवेयर की कोडिंग के दौरान जो कोई मिस्टेक्स होती है उन्हें बग्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। SMTP, SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट, इसका राइट आंसर है हाइपरलिंक। वेब पेज के अंदर अब अगर किसी हम लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यह हमें किसी और पेज पे ट्रांसफर कर देता है। ये हाइपरलिंक की एक एग्जांपल है विकिपीडिया। विकिपीडिया जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये एरो के साइन को हैंड के साइन में कन्वर्ट कर देगा और ये हमें किसी और पेज पे ट्रांसफर कर देगा। अ डैश सर्टिफिकेट इज अ नोटिस दैट गारंटीज अ यूजर और अ वेबसाइट इज लेजिटिमेट, इसका राइट आंसर है डिजिटल। डिजिटल सर्टिफिकेट हमें ये गारंटी देता है कि ये वेबसाइट और यूजर लेजिटिमेट है। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, इसका राइट आंसर है विंडकर्फ। इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज, इसका राइट आंसर है मल्टी प्रोसेसर। अगर एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर हो तो इसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन, इसका राइट आंसर है फोल्डर्स। फोल्डर्स के अंदर फाइल्स को स्टोर करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन कंप्यूटिंग NOS स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका राइट आंसर है स्पैम। जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है। जंक ईमेल वो ईमेल होती है जो एक से ज्यादा यूजर को सेंड की जाती है, ये एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यूज होती है। JPG एक्सटेंशन रेफर्स यूजली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल, इसका राइट आंसर है इमेज फाइल। JPG इमेज फाइल की एक्सटेंशन है। इमेज फाइल की जो एक्सटेंशन है वो ये है JPG, PNG, GIF, TIFF, PSD, PDF, EPS और AI। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, इसका राइट आंसर है डॉट्स पर इंच। प्रिंटर की क्वालिटी को डॉट्स पर इंच में मेजर किया जाता है। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर इज कॉल्ड बस। कंप्यूटर सिस्टम में बसेस को कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, इसका राइट आंसर है सेक्टर्स। ये हार्ड डिस्क की पिक्चर है, ये इसमें आप ट्रैक्स सेक्टर्स क्लस्टर्स को देख सकते हैं। इन कंप्यूटर व्हाट डस FDD स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ FDD इज 1.44 MB। In order for your computer to play music you need, इसका right answer है sound card and speakers। Computers के अंदर music play करने के लिए हमें sound card और speakers की जरूरत होती है। Which files extension indicates graphics file, इसका right answer है BMP and GIF। BMP stand for bitmap image, GIF stand for graphic interchange format। Which of the following is directly understand by the computer without translation program, इसका राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर प्रोसेस विदाउट एनी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के अंडरस्टैंड कर सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर है कंपाइलर। कंपाइलर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में एक ही वक्त में कन्वर्ट कर सकता है। इंटरप्रेटर भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक वक्त में एक स्टेटमेंट को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। Which technology is used in compact disc? इसका right answer है laser। का CD में laser technology use होती है। Which type of operating system MS-DOS is? इसका right answer है command line interface। MS-DOS जिसे disk operating system भी कहा जाता है, इसमें command line interface होता है। Which help user to locate, move, rename, copy and delete files? इसका right answer है file manager। फाइल मैनेजर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि यूजर को जो यूजर की फाइल्स को डिलीट कॉपी और रीनेम करने के लिए हेल्प करता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्यूटर टू लोकेट एंड ट्रांसफर डाटा इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर है एक्सेस टाइम। डैश इज अ लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, इसका राइट आंसर है HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। Which of the following shortcut key is used to close the program? इसका right answer है Alt+F4। In the field of IT, FTP stands for, इसका right answer है File Transfer Protocol।
USB flash drive is commonly used portable device to store data. What does USB stand for? इसका राइट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ पीस ऑफ हार्डवेयर इज कॉल्ड. इसका राइट आंसर है डिवाइस ड्राइवर. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो के कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं उन्हें डिवाइस ड्राइवर्स कहा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज फोल्डर. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की के जरिए हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. DPI stand for, इसका राइट आंसर है डॉट्स पर इंच. द बिजनेस एक्टिविटी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड. इसका राइट आंसर है ई कॉमर्स. MS Windows uses GUI environment. GUI stand for, इसका राइट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इन कंप्यूटर साइंस यूनिवेक इज. इसका राइट आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. कंप्यूटर प्रोसेसर कैन ओनली अंडरस्टैंड. इसका राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ वायरस. इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस. वॉर, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, ये सब कंप्यूटर वायरस हैं. ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज अ. इसका राइट आंसर है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. अ कंप्यूटर इज मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डैश. इसका राइट आंसर है सर्किट्स. कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर मुश्तमिल होता है. हाउ मेनी फंक्शन कीज आर ऑन कीबोर्ड. इसका राइट आंसर है 12. कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर 12 फंक्शन कीज होती हैं. इंडिविजुअल स्लॉट्स विच मेक अप अ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन आर कॉल्ड. इसका राइट आंसर है पिक्सल्स. हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस. इसका राइट आंसर है डॉगलस इंगलबार्ट. और कीबोर्ड क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने इन्वेंट किया था. अडोब फ्लैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ. इसका राइट आंसर है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. Adobe Flash मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम ऑडियो और वीडियोस को प्ले कर सकते हैं. ड्राइवर्स ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर आर. इसका राइट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर के ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में शुमार होते हैं. वीडियो देखने का शुक्रिया. वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अल्लाह हाफिज.